हाँ जी बच्चों, अब से पहले हम यूनिट वन के सारे फार्मूलों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। yes, थोड़ा सा हम यूनिट टू के फार्मूलों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप बच्चों की एक हल्की सी रिवीजन हो जाए। और फार्मूले आपने याद करने हैं, फार्मूला फाइल आपकी बनी हुई है। yes, तो फार्मूला फाइल से भी आप देख लीजिएगा, कोई फार्मूला अगर मेरे दिमाग से निकल जाए तो बता देना कि सर ये बड़ा रह गया। ठीक है। जब हम सेकेंड यूनिट शुरू करते हैं बेटे करंट इलेक्ट्रिसिटी, सबसे पहला फार्मूला आता है करंट बराबर चार्ज बाय टाइम। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी आप बच्चों को। करंट बराबर क्या आता है? किसी कंडक्टर में से कितना चार्ज वन यूनिट टाइम में फ्लो हो रहा है, दैट इज नोन एज करंट। इसी फार्मूले से इसका यूनिट आ जाता है कूलाम पर सेकंड, जिसे हम एम्पियर बोलते हैं। कोई दिक्कत है बेटे यहाँ पे? इसके बाद में दूसरा फार्मूला आता है बेटे ओम्स लॉ, वी इज इक्वल टू आई आर। वी इज इक्वल टू आई आर अभी डिस्कस किया हमने जब हम कुछ क्वेश्चन कर रहे थे हाफ ईयरली एग्जाम वाले। V है बेटे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर। मान लीजिए ये हमारे पास कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर के इस सिरे और इस सिरे में V पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया। V क्या लगा दिया? पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसकी वजह से इसमें करंट I फ्लो होगा। कितना करंट फ्लो होगा? I। तो इसका रेजिस्टेंस होगा R। रेजिस्टेंस कितना होगा? रेजिस्टेंस कॉन्स्टेंट होता है बेटे, R इज इक्वल टू होता है V बाय I एंड इट इज ए कॉन्स्टेंट। R is equal to the V by I and it is a और यहीं से आपने ये भी पढ़ा है कि ये जो R है ये तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक फैक्टर इसकी लेंथ, दूसरा फैक्टर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और तीसरा फैक्टर है बेटे टेम्परेचर। तीसरा फैक्टर क्या है? तो तीन फैक्टर कौन कौन से हुए? लेंथ, एरिया एंड टेम्परेचर। R जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब हम लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। और जब हम इन दोनों को कंबाइंड कर देते हैं तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ जाता है बेटे लेंथ बाय एरिया। यस। और जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाकर बराबर लगा देते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लग जाता है बेटे रेजिस्टिविटी, जिसे हम रो बोलते हैं। बोलो कोई दिक्कत है? तो R इज इक्वल टू क्या आ गया बेटे? रो एल बाय ए। ये R का फार्मूला लेंथ और एरिया के टर्म्स में आ गया और रो है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो मटेरियल करंट फ्लो को अपोज करता है। तो ये अलग अलग मटेरियल की रेजिस्टिविटी अलग अलग होती है। सबसे बढ़िया कंडक्टर सिल्वर लेते हैं, मेटल, सिल्वर मेटल सबसे बढ़िया कंडक्टर है क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम है। रेजिस्टिविटी कम होगा तो बढ़िया कंडक्टर होगा, रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी तो बैड कंडक्टर होगा। क्लियर हुआ? तो सभी कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी कम होती है, इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है। यहीं से रेजिस्टिविटी का फार्मूला आ जाता है बेटे रो इज इक्वल टू क्या आ जाता है? आर ए बाय एल। आर का ऐसा यूनिट ओम है बेटे, और यहां पर अगर हम पुट करें ओम, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, लेंथ के लिए मीटर, मीटर से एक मीटर कैंसिल, तो इसका ऐसा यूनिट आ जाता है बेटे ओम मीटर। इसका ऐसा यूनिट क्या आ जाता है? बोलो यहां पर कोई दिक्कत है? फिर इसी में आ जाता है बेटे कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर भी डिपेंड करते हैं, जो कि तीसरा फैक्टर है। तो टेम्परेचर के साथ कैसे बिहेव करते हैं, रेजिस्टेंस का क्या फार्मूला है? R2 is equal to R1 1 plus alpha T2 minus T1। और इसी प्रकार रेजिस्टिविटी का भी सिमिलर फार्मूला है, रो टू इज इक्वल टू रो वन, वन प्लस एल्फा टी टू माइनस टी वन। कोई दिक्कत? तो अगर हमारे पास किसी कंडक्टर का टेम्परेचर पहले T1 हो, बाद में हम उसे बढ़ा के या घटा के T2 कर दें, तो रेजिस्टेंस चेंज होकर R1 से R2 हो जाएगा। बढ़ेगा या घटेगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि अल्फा कितना है। अल्फा कितना? अब अल्फा है क्या बेटे यहाँ पे? अल्फा को बोलते हैं, यहां बोलेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, एक ही बात है। एनसीईआरटी में एक टेबल दे रखी है जहां से आप अल्फा की वैल्यूज देख सकते हैं, और आप अगर उस टेबल को नोट करेंगे तो आप देखेंगे कि अल्फा कंडक्टर्स के लिए पॉजिटिव होता है और इंसुलेटर सेमीकंडक्टर्स के लिए नेगेटिव होता है। कंडक्टर्स के लिए पॉजिटिव एंड सेमीकंडक्टर्स के लिए नेगेटिव। अब देखो बेटे, मैं यहां से अल्फा का फार्मूला निकाल रहा हूं, इधर से ध्यान दें। अगर आर वन को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो आर वन इंटू वन आर वन, और यहां भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां वाला आर वन लेफ्ट साइड में ले जाऊं तो क्या आ जाएगा बेटे? आर टू माइनस आर वन, बराबर में क्या बच जाएगा? R1 alpha T2 minus T1। क्लियर? तो यहां से अल्फा कितना आ जाएगा बेटे? अल्फा आ जाएगा R2 minus R1 divided by R1 into T2 minus T1। कोई दिक्कत? सिमिलरली अल्फा को रेजिस्टिविटी के टर्म्स में आप लिखोगे तो आ जाएगा रो टू माइनस रो वन डिवाइडेड बाय रो वन टी टू माइनस टी वन। कोई दिक्कत? अब देखो बेटे, ध्यान देना,
कंडक्टर्स के लिए अल्फा क्या है? पॉजिटिव। अल्फा पॉजिटिव है इसका मतलब ये सारा पॉजिटिव, सिमिलरली ये सारा भी पॉजिटिव। अब अगर इसको पॉजिटिव होना है, देखो बेटे रेजिस्टेंस तो नेगेटिव होगी नहीं, वो तो होती पॉजिटिव है, तो इसका तो मामला ही है, ये तो पॉजिटिव ही है। मामला सिर्फ है इसका और इसका। हम मान लेते हैं कि हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब T2 T1 से बड़ा है। अगर T2 T1 से बड़ा है, हमने कहा लेट T2 इज ग्रेटर देन T1, तो ये तो पॉजिटिव हो गया, तो इसका मतलब कौन बचा? सिर्फ अब अल्फा पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इसे पॉजिटिव ही होना पड़ेगा, तभी तो सारा पॉजिटिव आएगा। अरे अगर ये नेगेटिव हो गया तो अल्फा नेगेटिव नहीं हो जाएगा? लेकिन हमने कहा कि अल्फा पॉजिटिव है किसके लिए? कंडक्टर्स के लिए। तो अल्फा पॉजिटिव होने के लिए इससे यहां से ये रिजल्ट निकलता है कि R2 - R1 पॉजिटिव है। पॉजिटिव होने का मतलब जीरो से बड़ा है, इसका मतलब R2 बड़ा है R1 से, R2 बड़ा है R1 से। इसका मतलब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा कंडक्टर्स का, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस बढ़ता है। सिमिलरली यहां से ρ2 > ρ1 फार्मूला तो वही लगा सीमी। सिमिलरली अल्फा पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो इसे पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो ρ2 जो है वो ρ1 से ग्रेटर होगा। तो यहां से ये रिजल्ट निकलता है कि फोर कंडक्टर्स इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर देन देयर रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों बढ़ते हैं। बोलो समझ आया कि नहीं आया? Yes, sir. सेमी कंडक्टर्स की भी बात कर लेते हैं। सेमी कंडक्टर्स के लिए अल्फा नेगेटिव होता है। अब अल्फा नेगेटिव है तो R1 तो पॉजिटिव है, और ये भी पॉजिटिव है क्योंकि हमने टेम्परेचर बढ़ाया है। और अगर ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है और इसे नेगेटिव बनाना है तो ये वाला नेगेटिव होना चाहिए। ये नेगेटिव तब होगा जब R2 छोटा होगा R1 से। इसका मतलब जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी सेमीकंडक्टर्स की कम हो जाती है, और रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी कम होगी तो ज्यादा करंट फ्लो होगा। एनी डाउट टू एनीबॉडी? तो ये बात होगी बेटे कंडक्टर्स की और सेमीकंडक्टर्स की। साथ ही में हमने रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस कर लिया, रेजिस्टिविटी के बारे में डिस्कस कर लिया, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं वो भी डिस्कस कर लिया। एक और फार्मूला भी हम डिराइव करते हैं, उसकी भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। एक हमारे पास फार्मूला होता है बेटे ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बराबर होगा -EE τ/m। हाँ या ना? नंबर एक बार, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए एरो लगा रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है, माइनस ये बता रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की उल्टी डायरेक्शन में है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो कंडक्टर ले रखा है, ये मान लीजिए कंडक्टर है, ये पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है। इलेक्ट्रॉन किधर जाता है बेटे? पॉजिटिव एंड की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर सेट होता है? इधर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये ड्रिफ्ट स्पीड की डायरेक्शन एक दूसरे के उल्टा है इसलिए माइनस। कोई दिक्कत? ड्रिफ्ट स्पीड, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कॉन्स्टेंट, मास कॉन्स्टेंट, अगर हम टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखें तो रिलैक्सेशन टाइम भी चेंज नहीं होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसके अंदर कॉन्स्टेंट होता है, फिक्स वैल्यू का होता है। इसका मतलब ड्रिफ्ट स्पीड अप्रोक्सीमेटली कॉन्स्टेंट। अप्रोक्सीमेटली क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हमें टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखना थोड़ा टफ होता है। कंडक्टर में जब हम करंट पास करते हैं तो टेम्परेचर थोड़ी देर बाद हीटिंग इफेक्ट की वजह से बढ़ जाता है, और अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, तेज दौड़ने लगते हैं तो जल्दी जल्दी टकराएंगे, जल्दी टकराएंगे तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा तो ड्रिफ्ट स्पीड भी कम हो जाएगी। बोलो बात समझ आई कि नहीं? लेकिन हम आइडियल सिचुएशन मान के चल रहे हैं कि भैया हमने टेम्परेचर कॉन्स्टेंट ही रख लिया, चाहे कैसे भी रखा, टेम्परेचर अगर कॉन्स्टेंट है तो फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या है? और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की अगर हम ये वैल्यूज पुट करें तो इट इज अप्रोक्सीमेटली, ड्रिफ्ट स्पीड का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड, 10⁻⁴ मीटर एक सेकंड में, यानी एक मीटर का 10,000वां भाग एक इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में ड्रिफ्ट कर पाता है पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। बोलो कोई समस्या है यहां पर? पक्की बात है? ठीक है बेटे, तो ये ड्रिफ्ट स्पीड का फार्मूला हो गया। एक और फार्मूला आप इस चैप्टर में पढ़ते हैं, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट स्पीड, I = NEAVD। हाँ या ना? Yes, sir. ये रिलेशन है बेटे करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। हमने अभी थोड़ी देर पहले भी इस फार्मूले को डिस्कस किया था। इससे रिलेटेड कुछ पूछना है। N क्या है बेटे? नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर डेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। E क्या है बेटे? चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। A क्या है? एरिया। BD क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। I क्या है? करंट। जब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की ये वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो यहां पर एक नया फार्मूला आ जाएगा। जब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू E τ/m यहां पुट करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह V/L पुट करेंगे
तो V by I जो कि रेजिस्टेंस होता है, यहां से रेजिस्टेंस का एक नया फार्मूला आ जाएगा। थोड़ा सा बता देता हूं क्योंकि इसकी डेरिवेशन भी आप बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, एक सेकंड में हो जाएगा ये। देखो बेटे I is equal to NEA, मैं इसकी सिर्फ वैल्यू पुट कर रहा हूं इसलिए वेक्टर और माइनस हटा रहा हूं, ठीक है जी। तो ये क्या आ जाएगा, एन ई इंटू ई स्क्वायर ए टाउ बाई एम इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर, इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा वी बाई एल होता है। कोई दिक्कत है? ठीक है जी, ध्यान दो बेटे, इस आई को मैं यहां ले आऊं, वी के नीचे आ जाएगा ना आई, और बाकी सारा उधर ले जाऊं, तो एम और एम और एल ऊपर चला गया, एन ई स्क्वायर ए टाउ नीचे आ गया, वी बाई आई रेजिस्टेंस होता है क्या? तो रेजिस्टेंस का क्या फार्मूला है बच्चों, एम एल डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर ए टाउ। क्लियर, यहां से रेजिस्टेंस का रिलेशन और समझ लीजिए, तीनों फैक्टर आ गए, ध्यान देना भाई। मास कांस्टेंट होता है इलेक्ट्रॉन का, नंबर डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की, कंडक्टर्स में कांस्टेंट, सेमीकंडक्टर्स में कांस्टेंट नहीं होते, क्योंकि सेमीकंडक्टर में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो बॉन्डिंग टूटती है सेमीकंडक्टर्स की, बॉन्डिंग टूटने की वजह से मोर इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होने लगते हैं, तो एन कॉन्स्टेंट नहीं रहता, बट कंडक्टर में एन क्या है, कॉन्स्टेंट। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, कॉन्स्टेंट। एरिया क्या है, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखें तो रिलैक्सेशन टाइम भी क्या है, कांस्टेंट। लेकिन टेम्परेचर हम कांस्टेंट रखेंगे नहीं, टेम्परेचर पर तो डिपेंड कर रहा है रेजिस्टेंस। तो देखो बेटे, रेजिस्टेंस तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है, लेंथ एरिया और टाउ, लेंथ एरिया और टाउ, एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, पहले ही बात कर चुके हैं, और रिलैक्सेशन टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब देखो बेटे, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन्स की, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो जल्दी टकराएंगे, जल्दी टकराएंगे तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, अगर टाउ कम हो गया तो आर बढ़ जाएगा, हाँ या ना बोलो, तो इस फार्मूले से भी आप देख सकते हैं रिलेशन। दूसरी बात ध्यान देना बेटे, आर का फार्मूला रो एल बाई ए, रो एल बाई ए, इसका मतलब अगर मैं आर का कोई फार्मूला लिखूं तो उसमें एल बाई ए को अगर एक साइड में रख लूं तो जो गुणा में है वो कौन होना चाहिए, रेजिस्टिविटी। यहां ध्यान दो, एल और ए को छोड़ गए तो बाकी जो बच गया एम डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वायर टाउ, ये किसका फार्मूला आ गया बेटे, रेजिस्टिविटी रो, तो रेजिस्टिविटी का भी आ गया। अब देखो कई बार बच्चे कहते हैं जी इस फार्मूले में एरिया भी है लेंथ भी है फिर रेजिस्टिविटी डिपेंड क्यों नहीं करती, एक्चुअल में रेजिस्टिविटी का ये फार्मूला है, रेजिस्टिविटी का फार्मूला है एम बाय एन ई स्क्वायर टाउ, क्या इसमें लेंथ और एरिया है, नहीं, इसका मतलब रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन शेप और साइज और डायमेंशन, इट इज ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल, इट इज ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल। तो मास कॉन्स्टेंट, नंबर डेंसिटी कॉन्स्टेंट, चार्ज कॉन्स्टेंट, सिर्फ और सिर्फ रिलैक्सेशन टाइम पर डिपेंड करता है, और रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, इट मीन्स रेजिस्टिविटी ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी ओनली डिपेंड्स अपॉन, बोलो बेटे कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? तो यहां से हमने रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, ड्रिफ्ट स्पीड, आई और वीडी का रिलेशन, ओम्स लॉ, ये सारी बातें कर ली। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं दो चार और नए फार्मूले। हाँ जी बेटे देखो, मोबिलिटी, मोबिलिटी क्या होता है, मोबिलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय ड्रिफ्ट स्पीड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट स्पीड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये क्या आ जाएगा बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा बेटे ई टाउ बाय एम, ये क्या आ जाएगा, ई टाउ बाय एम। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? मोबिलिटी इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, मोबिलिटी इज ए स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज ये सिर्फ हमें रिप्रेजेंट करता है कि कितनी ड्रिफ्ट स्पीड यानी वैल्यू एक यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड के कोरेस्पॉन्डिंग होगी। क्लियर हुआ? ठीक है जी, तो ई टाउ डिवाइडेड बाय एम, ये हमारे पास मोबिलिटी का फार्मूला हो गया। इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी अलग से होगी, सेमीकंडक्टर्स में होल्स की मोबिलिटी अलग से होगी। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? ठीक है जी, और कौन सा फार्मूला यहां पर रह गया, व्हीटस्टोन ब्रिज का, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड ब्रिज होता है, तो पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस पर डिपेंड करता है, जहां पर पी और क्यू नॉन वैल्यू के रेजिस्टेंस होते हैं, ये P, ये Q, R जो है वो वेरिएबल रेजिस्टेंस है और S जो है वो अननोन रेजिस्टेंस है, तो P by Q is equal to R by S होता है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंसिंग कंडीशन है। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ पर? और कौन कौन सा फार्मूला यहाँ पर रह गया, रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल में, अगर रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ेंगे तो क्या फार्मूला आएगा बेटे, जितने ऐसे जोड़ देंगे, अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो 1 by R पैरेलल इज इक्वल टू, ये फार्मूला आएगा। कोई दिक्कत? ठीक है जी, सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल, अगर हम सेल को सीरीज में जोड़ते हैं तो ई सीरीज यानी ईएमएफ
जब हम दो या ज्यादा सेल को सीरीज में जोड़ेंगे तो टोटल ईएमएफ का फार्मूला आएगा बेटे E1 प्लस E2 प्लस ऐसे जुड़ते जाएंगे जितने भी हैं। लेकिन अगर पैरेलल में है तो पैरेलल में हम क्या करते हैं बेटे ईपी यानी पैरेलल का ईएमएफ डिवाइडेड बाय पैरेलल का रेजिस्टेंस ये रेशियो निकालते हैं E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस E3 बाय R3 ऐसे चलता जाएगा। बोलो बेटे कोई दिक्कत? ये सेल्स की बात हो गई हमारे पास। और बोलो क्या था? एन आइडेंटिकल सेल, आइडेंटिकल लेंगे तो E1, E2 इन सब को इकट्ठा ही ले लेंगे। देखो अगर हम एन सेल लेंगे पैरेलल में, एन सेल पैरेलल में लेंगे तो 1 बाय आर पैरेलल क्या आ जाएगा बेटे 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर एन टाइम्स, तो क्या आ जाएगा एन बाय आर, तो आर पैरेलल क्या आ जाएगा बेटे आर बाय एन, और यहां से क्या आ जाएगा ईपी डिवाइडेड बाय आरपी इज इक्वल टू ई बाय आर प्लस ई बाय आर प्लस ई बाय आर एन टाइम्स, तो ये आ जाएगा बेटे एन ई बाय आर। R पैरेलल की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहां से E पैरेलल आ जाएगा। E पैरेलल का क्या फार्मूला N E by R into ये इधर आ गया R पैरेलल मल्टीप्लाई में आ गया। R पैरेलल की वैल्यू R by N, R से R कैंसिल, N से N कैंसिल, इसका मतलब टोटल EMF एक सेल के EMF के बराबर होगा। अगर N सेल्स पैरेलल में जोड़ दें तो टोटल EMF एक सेल के EMF के बराबर होगा और रेजिस्टेंस का फार्मूला R by N ये हो जाएगा। बोलो बेटे कोई दिक्कत है? तो मेरे ख्याल से अप्रोक्सीमेटली सारे फार्मूले हमने डिस्कस कर लिए होंगे कि कोई रहता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हमारे पास कोई सेल है तो सेल का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है, ये ईएमएफ, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, तो आई बराबर क्या होता है बेटे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, वी बराबर क्या होता है ई माइनस आई आर। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला होता है बेटे V इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ द सेल माइनस आईआर। आईआर क्या शो कर रहा है? सेल खुद कितना पोटेंशियल यूज कर रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द सेल इटसेल्फ। आई बात समझ में? ये है बेटे व्हेन सेल इज डिस्चार्जिंग, अगर सेल को हम चार्ज कर रहे हो तो यहां प्लस आ जाएगा। ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ ए सेल द फार्मूला ऑफ टीपीडी विल बी V इज इक्वल टू E प्लस आईआर, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ सेल द फार्मूला इज V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। अगर हमें आई निकालना हो तो कई बार यहाँ पर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और जुड़ा होता है आर, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जुड़ा होगा तो फिर आई की आई का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटे ईएमएफ डिवाइडेड बाय आर प्लस आर, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस किस में है सीरीज में है। यहां से आई निकाल लेंगे इस फार्मूले से और यहां पर पुट कर देंगे तो टीपीडी आ जाएगा। बोलो बेटे कोई दिक्कत है? एनी डाउट टू एनीबॉडी? ठीक है जी। तो और पोटेंशियोमीटर इसमें है क्या इस बार सिलेबस में? नहीं है, चेक कर लिया? ठीक है फिर। तो मेरे ख्याल से लगभग हमने सेकंड यूनिट के सारे फार्मूले डिस्कस कर लिए। इस वीडियो को मैं अपलोड कर दूंगा, घर जाकर भी आप देख सकते हैं, फार्मूला फाइल आपके पास तैयार है। आज स्कूल टाइम में ही कोशिश कीजिए कि सेकंड यूनिट के सारे फार्मूले आप बच्चों को याद हों। अगर हमें कोई और एक पीरियड मिला तो जो हमारा क्वेश्चन पेपर लाइट जाने की वजह से बीच में रह गया उसको हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है।